मामा के रहते हुए और कोई कैसे करवाएगा। जो माता पिता चाहेंगे कि बेटी की शादी मामा करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, उनकी शादी हम करेंगे। तब से अभियान लगातार जारी है, लाखों शादियां हो रही है। हाँ, बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, कमलनाथ जी की सरकार, उनने पैसा दिया ही नहीं। 51,000 की बात हुई थी, शादियां हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, कई जगह तो भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया, बेटियों को भी धोखा दिया गया। लेकिन अब चिंता मत करना, मामा फिर से मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार है। हमने तय किया कि शादी की बाकी तमाम व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसके अलावा 49,000 रुपए का चेक भी बेटी को देंगे ताकि अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। पहले हम सामान दे रहे थे, लेकिन सामान खरीदने में बड़े लफड़े हैं भैया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, अच्छा कई बार मनसा भी अच्छी है तो अभी परिवार की जरूरत है कि नहीं है इसका कोई ठिकाने नहीं है, उनको जरूरत किस चीज की है। और इसलिए बीच में जब ये सुना कि सामान को लेकर भी आपत्ति होती है और कई बार जरूरत भी बेटी की क्या है ये हमको पता नहीं रहता, और इसलिए हमने तय किया कि अब सामान नहीं देंगे, सीधे 49,000 रुपया का चेक बेटी के हाथ में देंगे और कहेंगे कि अपने मन से सामान खरीद लो। यहाँ पे चेक वेक तैयार है कि नहीं भैया? जी जी बिल्कुल सर। देखो भैया, अपन कमलनाथ नहीं है कि शादी हो गई और पैसे ही नहीं रहे, तुरंत चाहिए ये चेक। यहाँ सारे चेक तैयार है, बिल्कुल चेक, सारे चेक यहीं बटेंगे और इस कार्यक्रम के बाद हम तो 5 चेक बांट के चले जाएंगे। आप सब मंच पर बैठे नेता एक एक बेटी के हाथ में चेक देंगे, ऐसा मत करियो भैया कि हम गए तो तुम भी चले जाओ, सबको चेक देके अपने हाथ से और फिर उनको विदा करना। बेटियां अपनी इच्छा से सामान खरीदने का काम करेंगी। आज मैं सब बेटियों को, बेटी के साथ दामादों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मामा की दुआएं लेती जाओ, जाओ तुमको सुखी संसार मिले, भगवान तुम पर कृपा की वर्षा करे, कंकाली मैया का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, हमेशा सुखी रहो। और ये मानना कि हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में विवाह समझौता नहीं है, संस्कार है, पवित्र आत्माओं का बंधन है, जन्म जन्म का साथ है। और इसलिए पति और पत्नी शरीर से दो हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद एक आत्मा हो जाते हैं, आत्मा केवल एक रहती है। मिलजुल के रहना, दोनों परिवारों का नाम रोशन करना, समाज की भलाई के भी काम करना और एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे से प्रेम करना। 7 वचन 5 वचन हम शादी के समय देते हैं कि क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, तो उसका दूल्हा भी पालन करे और बेटी भी पालन करे, दोनों को मिलके उनका पालन करना चाहिए। मिलजुल के गृहस्थी की गाड़ी चलती है। और दामादों से मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ, भैया मेरी बेटियों से लड़ना मत रे, नहीं तो मामा से लड़ाई हो जाएगी, ध्यान रखना है इनका। तो मिलके आपस में प्रेम से रहना। आज बहुत लंबी बात ना करते हुए प्रहलाद जी, जो जरूरत की चीजें हो उनको बताते जाओ यार, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जो यथोचित काम होंगे उन कामों को ठीक से करने का प्रयत्न हम करते रहेंगे। चारों तरफ अभी प्रहलाद लोधी बता रहे थे विकास के काम चल रहे हैं, उनमें कमी नहीं आने देंगे। अभी हमारा एक अभियान और चल रहा है, उसका भी सब ध्यान रखेंगे, सीएम जन सेवा अभियान। कलेक्टर पन्ना में है कार्यक्रम के लिए, कमिश्नर यहाँ पे है, कैसा चल रहा है यह अभियान, चल रहा है कि बिल्कुल ही नहीं? तो आवेदन का निराकरण कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, तो ढंग से करो, कोई समस्या बच नहीं जाए भैया। दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन,
ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। 67 काम जनता ही अपनी भगवान है, इन कामों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ड्यूटी प्रशासन की है, उसको पूरे ढंग से करो और आप लोग भी काम करो। देखो शिविर में कोई जा रहे कि नहीं जा रहे भैया, अरे जा रहे हैं कि नहीं, जाओ भैया अच्छे से सेवा करो, लोगों के सब काम हो जाए इस बात की चिंता करो। एक बार फिर से अपनी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आयोजन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद, यहाँ के विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सबको शुभकामना और आशीर्वाद। कंकाली भैया आप सब पर कृपा की वर्षा करें, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये 5 कन्याएं आपके समक्ष, जयमाला और चेक वितरण का कार्यक्रम होगा, कृपया सहयोग करने का। महिला बाल विकास थोड़ा आगे आ जाएंगे, जयमाला शीघ्र पहनाएंगे। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाइए, एक दूसरे के आमने सामने, बिटिया और दामाद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, पीछे फूल देते हैं सर्वा बाधा मनर्मुक्तो धन धान सुदान विदा मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति संशयाः। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जयहि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माला पहनाइए, बरमाला पहनाइए बेटियां, बरमाला पहनाएंगी, फिर दामाद जी बरमाला पहनाएंगे। ये पुष्प वर्षा से आशीर्वचनों का आशीर्वाद दिया जा रहा है नव दंपति को, और 49,000 का चेक माननीय अतिथियों द्वारा दिया जाएगा। चेक कृपया पहुंचाएं, चेक वहां वितरण करवा दिए। बेटी शक्ति दुबे, बेटी शक्ति दुबे जहां हो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें।